This game involves an element of financial risk and may be addicted. Please play responsibly and at your own risk. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और मेरे चैनल प्रिडिक्शन गुरु राहुल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं माई फैब 11 में आने वाली आपको कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम की। दोस्तों, हर एक प्रॉब्लम हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और ये सब प्रॉब्लम मैं आपको उठाऊंगा खुद जो मैंने कुछ फेस किया हो या फिर मेरे वीडियोस पे जो कुछ कमेंट्स आते हैं जो कि सच में प्रॉब्लम होती है, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको माई फैब 11 से रिलेटेड हर एक जो प्रॉब्लम होगी, जो इशू होगी कि भाई मुझे विड्रॉवल नहीं मिल रहा है, मेरा अकाउंट वेरीफाई नहीं हो रहा है, या फिर मेरा डिपॉजिट अमाउंट मेरे अकाउंट पर नहीं आया, या फिर और भी छोटी मोटी कुछ भी इन्फॉर्मेशन होगी, वो सब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। हो सके तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, आप वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर लेना, जिससे हमें बहुत मोटिवेट मिलेगा और आगे हम इसी टाइप की वीडियोस आपके लिए और लेके आएंगे। तो अगर आपको इस टाइप की वीडियो और चाहिए तो आप हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए बात करते हैं आज के वीडियो की, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट तो यह है कि ये जितने सारे प्रॉब्लम है, मैंने ट्यूटोरियल का वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि इस एप्लीकेशन को प्ले कैसे करते हैं, ज्वाइन कैसे करते हैं। तो बेसिकली अगर आप जानना चाहो कि माई फैब 11 है क्या, तो माई फैब 11 इज अ फैंटेसी एप्लीकेशन। फैंटेसी का मतलब यह है कि आप इसमें 11 प्लेयर से टीम क्रिएट करके प्ले कर सकते हो। कुछ टाइम पहले इसमें कुछ अपडेट्स आई थी जिसके बाद आप इसमें गेम प्ले करके भी अर्निंग कर सकते थे, जैसे कि लूडो, चेस, ये सब ऐड किया गया था। और हो सके तो आप वीडियो देख रहे हो तो और भी गेम ऐड हो चुकी हो फ्यूचर पे। सो आप अगर आप ज्वाइन नहीं हो तो आप इसमें ज्वाइन कर लो, अर्निंग होती है। ओके, ये वीडियो मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने पे बना रहा हूँ, मतलब कि जो भी आपको प्रॉब्लम आएगी छोटी मोटी उसको सॉल्व कैसे करना है उस पर बन रही है। ओके, सो अगर आपको इस एप्लीकेशन में ज्वाइन करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इस एप्लीकेशन का फुल्ली ट्यूटोरियल जो मैंने खुद बनाया हुआ है उसका लिंक डाल दूंगा, आप उसको देख कर सीख लेना। ओके, सो बात करते हैं इस एप्लीकेशन के कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम की। तो दोस्तों, एक दो प्रॉब्लम तो जो मैं अपना पर्सनल फेस किया है वो मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले कुछ कमेंट्स आती है छोटी मोटी, वो भी मैं आपको करता हूँ। विड्रॉवल प्रॉब्लम क्या आती है वो भी आपको बताऊंगा, और केवाईसी प्रॉब्लम जो आएगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, और छोटी मोटी कुछ और बताऊंगा। सो सबसे पहला जो कमेंट है वो है, इज इट सेफ, मतलब क्या फैंटेसी एप्लीकेशन सेफ है। सो मैं फैंटेसी एप्लीकेशन लेकर चल रहा हूँ, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि पूछ रहा है कि क्या हम इसमें प्ले कर सकते हैं। चूंकि अगर फैंटेसी आता है तो हमें क्या लगता है कि भैया पैसे लगाने, इसका मतलब ये जुआ हो गया, बट दोस्तों ये जुआ नहीं है, द गेम ऑफ स्किल है। आप इसका हमेशा टीवी पे एड्स देखते होंगे और सब जगह यही बोला जाता है कि ये द गेम ऑफ स्किल है। द गेम ऑफ स्किल का मतलब कि इसमें हमें दिमाग लगाना पड़ता है। जुआ में क्या होता है, दिमाग नहीं लगाना है, बस खेलते जाओ हारे या जीते, बट इसमें अगर आपके पास है तो आप जीतोगे, हारना नहीं है, ओनली जीतोगे। तो जिसमें आप कंटिन्यू जीतो उसको हम गैम्बलिंग नहीं बोल सकते हैं। सो ये बिल्कुल लीगल है। ओके, और गवर्नमेंट के थ्रू भी फुल्ली लीगल है, आप इस पे बेझिझक दिल खोल के प्ले करो, बट हाँ पैसे का रिस्क है तो आप वो अपने रिस्क पे प्ले करो। उसके बाद कुछ एक और कमेंट है। ओके, सो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, हमने 50-50 का विड्रॉवल किया, एक भी नहीं क्रेडिट हुआ। ओके, सो पहला बात तो ये कि इस कमेंट में मुझे तो समझ नहीं आया कि 50-50 का आपने दो बार विड्रॉवल क्यों किया, अगर आपका एक पेमेंट नहीं आया तो आपने दोबारा क्यों किया। तो इसको मैं आपको बता देता हूँ, समझ लो पहले, मिनिमम विड्रॉवल इस एप्लीकेशन में 50 रुपये का है। ओके, जो कि इन भाई ने खुद बता दिया कि मैंने 50 रुपये का विड्रॉवल लगाया, अब वो मेरे अकाउंट में क्यों नहीं आया। तो फैंटेसी एप्लीकेशन है, और जैसे कि इन्होंने छोटा अमाउंट विड्रॉवल किया, यानी कि फर्स्ट टाइम इन्होंने विन किया होगा और विड्रॉवल लगा दिया होगा, तो इनका विड्रॉवल आया क्यों नहीं। तो इसमें दो मोड है विड्रॉवल का, एक है इंस्टेंट मोड और एक है नॉर्मल मोड। इन्होंने विड्रॉवल लगाया होगा नॉर्मल मोड से। नॉर्मल मोड से जब ये विड्रॉवल लगाते हैं तो जब आप फर्स्ट यूजर होगे या फिर न्यू यूजर होगे तो होगा क्या कि आपको करीबन पहला पेमेंट जो होगा तो उसके आने में 3 दिन लग जाएगा। और जैसे कि मैं इस कमेंट से मुझे समझ में आ रहा है कि इन्होंने पहला 50 रुपये लगाया, वेट किया होगा 5-6 घंटा, और भाई मेरा पेमेंट क्यों नहीं आया, मेरा पेमेंट क्यों नहीं आया, फिर उन्होंने अपना 50 रुपये और लगा दिया होगा। सो ऐसा आपको नहीं करना है, वहाँ दोनों पेमेंट इसका आ गया होगा। चूंकि दोस्तों इस कमेंट के नीचे मुझे कोई कमेंट नहीं दिखा है कि इनका पेमेंट इनको रिसीव नहीं हुआ, चूंकि अगर किसी का रिसीव नहीं होगा तो दोबारा कमेंट करेंगे इनको इनका पेमेंट आ चुका है। और इससे हमें क्या समझने को मिलता है कि अगर आप नॉर्मल विड्रॉवल करते हो तो आपको करीबन 2 से लेकर 3 दिन का वेट करना है,
और इसी को देखते हुए जो लोग इस टाइप के होते हैं जिनको तुरंत पैसे चाहिए उसके लिए एक स्टैंड मोड ऑन किया गया है। स्टैंड मोड आप ओनली दिन में विड्रॉवल ले सकते हो उससे, और अगर आप उससे पेमेंट लगाते हो तो आपके अकाउंट में एट अ टाइम पेमेंट आ जाता है। सो स्टैंड मोड का यूज करके आप विड्रॉवल कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा हड़बड़ी है तो। भाई इसमें मैंने डिपॉजिट करने पर किसी और का नेम आ जाता है विल एडिंग मनी, ना कि माई फेवरेबल आई थिंक इट्स फेक। सो इसमें देखो इन्होंने ठीक से लिखा नहीं है, बट जितना मैं इसको समझ पा रहा हूँ इसमें लिखा हुआ है कि जब मैच प्ले करने के लिए डिपॉजिट करने जाते हैं तो माई फेव एलेवन का नाम नहीं आता है, कुछ और नाम आता है। सो अब देखो ये थोड़ा हाई लेवल का हो जाता है। मान लो कि आपका कोई शॉप है, ओके, मान लो कि आपका कोई शॉप है और आपने जो उसको ऑथराइज करवाया है, जो आपका कंपनी का जो आपने गवर्नमेंट से ऑथराइज करवाया वो नाम कोई और है, तो ऐसा होता है? मैं कंफर्म नहीं बताऊंगा क्योंकि दोस्तों मैंने ये प्रॉब्लम फेस नहीं किया आज तक, बट इसके अकॉर्डिंग जो कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो तो हुआ ये होगा कि माई फेव एलेवन है और इसका जो ऑथराइज है वो हो सकता है कुछ और नाम से हो, प्राइवेट लिमिटेड हो या फिर कुछ भी हो, माई फेव एलेवन ना हो गया फैंटेसी प्राइवेट लिमिटेड हो या फिर कुछ भी हो सकता है। सो तो मुझे ये लगता है कि जब ये डिपॉजिट कर रहे होंगे तो ये रियल नेम शो हो रहा होगा, मतलब कि रियल नेम तो ये भी है, कुछ और नेम शो हो रहा होगा, बट कुछ भी नेम शो हो भैया आपके अकाउंट में तो पेमेंट आ रही है ना, डिपॉजिट तो होगी, ऐसा तो नहीं कि नहीं होगी। ये बोल रहे हैं कि जब मैं डिपॉजिट करने जाता हूँ तो माई फेव एलेवन नहीं कुछ और नेम शो हो रहा है, तो दोस्तों इससे ये फेक नहीं हो जाता है, आपका पेमेंट आपके अकाउंट में आएगा। कोई भी कंपनी है किसी भी नाम से ऑथराइज कर सकती है और जीएसटी नंबर ले सकती है। विड्रॉवल बटन ग्रीन नहीं हो रहा है। सो विड्रॉवल बटन ग्रीन नहीं हो रहा है दोस्तों, ये तो कोई छह मुझे समझ नहीं आया, विड्रॉवल बटन ग्रीन क्या होगा? डायरेक्टली विड्रॉवल पे क्लिक करो विड्रॉवल हो जाएगा, और ग्रीन अगर नहीं होता है, अगर ग्रीन का कोई ऑप्शन होगा आपके मोबाइल में, हो सकता है आपके मोबाइल का ये फीचर है, अगर ग्रीन का कोई ऑप्शन है तो आप उस पर क्लिक करो और फिर बैक जाकर देखना ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में आपका पेमेंट लग चुका होगा। अब थोड़ा मैं फास्ट बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी ज्यादा मैं नहीं करना चाहता और आपका हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूं। ओके, सो ऐप नॉट ओपनिंग, अगर एप्लीकेशन आपका ओपन नहीं हो रहा है तो आपको पास सिंपल सा एक काम करना है, एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करना है, इसके वेबसाइट पे जाना है और ओरिजिनल फिर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जो कि उसका एक अपडेटेड वर्जन होगा। मेरा ईमेल एड्रेस वेरीफाई नहीं हो रहा है, क्या करें? सो ईमेल एड्रेस के साथ मैं आपको पूरा इसका वेरीफिकेशन प्रोसेस बता देता हूँ कि प्रॉब्लम क्या होती है। तो ये बोल रहे हैं कि मेरा ईमेल एड्रेस वेरीफाई नहीं हो रहा है, तो आप ये समझ लो कि अगर आपका भी ईमेल एड्रेस वेरीफाई नहीं हो रहा है, ओके, तो आपने ईमेल पे वेरीफाई के लिए डाला, दोस्तों होता क्या है, चूंकि ये फैंटेसी एप्लीकेशन है तो इसका जो आपको वेरीफिकेशन लिंक जाता है ओटीपी नहीं लिंक जाएगी, तो लिंक कहाँ जाएगी? स्पैम, आप देखना थ्री डॉट पे क्लिक करना मेल में तो उसमें एक स्पैम का बॉक्स होगा, स्पैम में लिंक जाती है या फिर जंक फाइल में लिंक जाएगी या फिर आपके नॉर्मल इनबॉक्स में जाएगी, इस तीनों में से किसी एक में जाएगी। ऐसे तो हर बार नॉर्मल में जाती है इनबॉक्स में, बट कभी कभी जंक या फिर स्पैम में चली गई तो आप वहां पे क्लिक करके कर लो, इन भाई को स्पैम में जाके चेक करना चाहिए, वहां पे आपको मिल जाएगा। सो आप नहीं जाइए, स्पैम में जाके चेक कीजिए, आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, डोंट वरी। ओके, सो अब देखो इसमें लिखा हुआ है इट्स सेफ नंबर। सो इसमें क्या है कि ये जो बोलना चाह रहे हैं कि इनका जो इन्होंने नंबर दिया हुआ वेबसाइट पर उस पर कॉल नहीं लग रहा है। सो कंपनी का कोई भी नंबर डाला जाता है तो उस पर कॉल आपका नहीं लगेगा, उसके लिए अलग से कॉन्टैक्ट के लिए एक अलग से नंबर होगा, अगर कॉन्टैक्ट में होगा तो आप देख लेना। ये जो नंबर इस एप्लीकेशन में आपको जो नंबर शो होता है वो ओनली व्हाट्सएप के लिए है, मतलब दोस्तों एप्लीकेशन है कितने सारे बंदे का ये कॉल उठाएंगे एक नंबर से, तो उसके लिए व्हाट्सएप सपोर्ट है वो ओनली, आप उससे जाके व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो, कॉल नहीं कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो व्हाट्सएप कॉल करो, अगर उठ गया तो ठीक है बट आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके, और वेरिफिकेशन प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा था कि वेरीफाई अगर आपको प्रॉब्लम होती है कब होगी, एक ही शर्त पे होगी, जब आप अपना डॉक्यूमेंट गलत डालोगे। डॉक्यूमेंट सही डालना आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। UPI ID डाल देना, पेटीएम नंबर से रजिस्टर करना जिससे पेटीएम में विड्रॉवल मिले, UPI ID डालना जिससे आपका UPI में विड्रॉवल मिल जाए। ओके, सो पैन कार्ड बैंक डिटेल्स का इसमें यूज करके आप अपना अकाउंट वेरीफाई कर सकते हो। हर एक इन्फॉर्मेशन सही डालना, आपको कोई भी विड्रॉवल प्रॉब्लम नहीं होगा। मेरा भी विड्रॉवल नहीं हो रहा है सर। सो विड्रॉवल क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपने अपना अकाउंट गलत डाला होगा। अगर आपने अकाउंट ही गलत डाल दिया तो विड्रॉवल क्यों कैसे होगा? स्टैंड विड्रॉवल का हमेशा यूज करो, अगर आप फर्स्ट विड्रॉवल कर रहे हो तो इसमें स्टैंड विड्रॉवल का यूज करके आप विड्रॉवल करो, जिससे क्या होगा आपका पेमेंट फटाक से आ जाएगा आपके अकाउंट में। ऐप नहीं खुल रहा है, तो वही है सेम जो मैं आपको बताया था। इसमें है कि मेरा पूरा शो नहीं कर रहा है, मैंने 10 टीम लगाई थी। अगर आप कोई लीग ज्वाइन करते हो 10 टीम के साथ तो पॉइंट अपडेट होने में थोड़ा 5-10 मिनट का टाइम लगता है, तो थोड़ा सा वेट करो, आपका हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और एक ने लिखा है नाइस वर्क, मतलब कि इसका एप्लीकेशन सही लग रहा है। दोस्तों इसमें बहुत से कमेंट है, अच्छे अच्छे कमेंट भी है, हर एक प्रॉब्लम नहीं है।
बट सबको छोड़ के जो प्रॉब्लम वाली है मैं आपको बस वही पढ़ के बता रहा हूँ। ओके सो दोस्तों और कुछ इसमें है नहीं। एक बंदे ने लिखा है कि मेरा पैन कार्ड वेरीफाई नहीं हो रहा, तो दोस्तों पैन कार्ड वेरीफाई आपको नहीं हो रहा होगा क्योंकि आपका पैन कार्ड का जो इमेज है वो क्लियर नहीं होगा। इमेज क्लियर करके डाल दो, आपका पैन कार्ड वेरीफाई हो जाएगा। टीम नहीं बन रहा है, तो अगर आपका टीम नहीं बन रहा है तो आपके पास एक ऑप्शन है, हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पर जाइएगा। आप वहाँ पर ज्वाइन होइए, आपको वहाँ पर माई फेवरेबल की हर मैच की टीम आपको टाइम टू टाइम मिल जाती है। पैन कार्ड रिमूव कैसे करना है, अगर आपने एक बार डाल दिया तो अगर आपको रिमूव करना है तो एडिट का ऑप्शन है, आप जाइए वहाँ पर, एडिट का ऑप्शन है, डायरेक्टली आप एडिट कर सकते हो। ये कुछ छोटी मोटी ऑप्शन थी जो मैंने आपको कर दिया, और इसमें अगर कोई बग आती है तो अपडेट के साथ वो सही हो जाती है। और कस्टमर सर्विस की बात की जाए तो कस्टमर सर्विस इसका बहुत अच्छा है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और भी बहुत जगह पे आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और लाइव चैट का ऑप्शन है, कॉलिंग फीचर्स भी अवेलेबल हो चुकी है। ये सब मैंने कुछ आपको कवर किया है जिसपे मैंने आपको इस एप्लीकेशन के बारे में कुछ छोटी मोटी जानकारी दी। और अगर मुझसे कुछ छूट गया हो, क्योंकि टेक्निकल चीज़ है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, आगे भी कुछ आएगी, तो आप कॉमेंट करो, मैं हर एक कॉमेंट पढ़ता हूँ। और अनदर किसी वीडियो में मैं आपको इसी टाइप से वीडियो बनाऊंगा कमेंट वाला, जिसमें मैं आपका हर एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। तो दोस्तों अगर आपको इसी टाइप की वीडियो चाहिए होगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बप्पा धनसवा खैर, लव यू ऑल।